कानपुर की रसोई में आज मैं आपका फिर एक बार स्वागत कर रही हूँ। आज आपको हम बहुत ही सस्ते रेट में ये पॉपकॉर्न बनाना घर में सिखाएंगे। आप बाज़ार से लेते हैं, ये देखिए 40 ग्राम का होता है, ये 10 पीस का पड़ता है। इसमें बस थोड़ा ही होता है, आप घर में बहुत ही सस्ता मूल होता है इसका। बाज़ार हर जगह आपको ये बहुत सस्ते में और बहुत ईजिली ढंग से मिल भी जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये मैंने आज आपको हम मसाले वाला बताएंगे और फिर आगे आपको हम कैरेमल वाला पॉपकॉर्न बनाना भी सिखाएंगे। इसके लिए मैं हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने थोड़ा चाट मसाला लिया हुआ है और ये मैंने नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ये आधा कप ये मैंने कॉर्न ले लिया। अब इसमें हम पहले गैस को मैंने ऑन किया और ये मैंने इसमें देसी घी डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। आप देखिए बनाइए, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और जब भी आपका दिल करे फटाफट आप बना के खा सकते हैं। बारिश में तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये हमने ये कॉर्न इसमें मैंने आधा कप ये कॉर्न लिया है, आपको जितनी ज़रूरत हो, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाइए क्योंकि ये जल्दी आजकल बारिश में सील जाता है। अब इसको हम पहले भून लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लीजिए और देखिए ये बनाने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए हमारा भुनने लगा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम नमक अंदाजा से डाल दीजिए, और इसको हम अब ढककर रख देंगे। और ये हमने तेज कर दिया। अच्छा, आपके पास यदि ये फ्राई पैन नहीं है तो आप ये कुकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इसकी विसील निकाल लीजिए और इस तरीके के ढक्कन से ढककर करिएगा, आपका फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि कितनी जल्दी ये बनता है। ये देखिए हमारे बनने शुरू हो गए। आप इसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप देखें थिएटर वगैरह में हल्दी डाल के भी दे देते हैं। और आगे हम आपको कैरेमल भी पॉपकॉर्न बनाना बताएंगे, उसमें नमक नहीं डाला जाता है, सेम इसी विधि से इसको बनाया जाता है। ये देखिए हमारे ढेर सारे उसमें कितने तैयार हो रहे हैं, आप खाइए, सब लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए हमारा ये देखिए जरा से में कितना ढेर सा ये तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए। ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा धीमे से खोलेंगे। अब इसमें आपको जितने भी खाने हो आप इस बाउल में डालिए, एकदम से चाट मसाला या मसाला नहीं डालिए, वो सीलने का डर रहता है। आपको जितना करना खाना हो आप उतने ही इसमें निकालिए और इसको एयर टाइट कंटेनर में किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। और ये आप इसमें हल्का सा चाट मसाला डाल के बस आपको जितना भी मसाला करना है उसी हिसाब से चाट मसाला का यूज़ कीजिए। और देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया बिल्कुल। बस इसमें आप हल्दी डाल देंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा, आप पे ये मर्जी पे डिपेंड करता है। और अब जैसे आपने कैरेमल वाला बनाना है वो हम आपको जल्दी ही बहुत जल्दी ही बताएंगे, तो उसमें ये नमक नहीं डालना है। और ये तैयार हो गया, यदि आपको पसंद आए
तो आप इसको खाइए, बनाइए और पूरा बारिश का लुत्फ़ लीजिए। और आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जल्दी ही हम दूसरे उसमें आपको इसकी दूसरी कैरमेल वाले वाले बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।